जम्मू कश्मीर इलाके में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के पौड़ी और चमोली के दो लाल शहीद हो गए। चमोली जिले के बमियाला गांव के वीरेंद्र सिंह और पौड़ी जिले के कोटद्वार निवासी राइफलमैन गौतम कुमार आतंकी हमले में शहीद हो गए। किन्हीं कारणों से सेना जवानों के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव अब तक नहीं लाया जा सका है। मिली जानकारी के मुताबिक गौतम ने 15 दिन की छुट्टी को खत्म कर शनिवार को ही ड्यूटी ज्वाइन की थी। बताया जा रहा है कि मार्च में ही उनकी शादी होने वाली थी, जिसकी तैयारियों में परिजन जुटे हुए थे, लेकिन इसी बीच उनके शहीद होने की खबर के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। पौड़ी जिले के कोटद्वार निवासी राइफलमैन गौतम कुमार उम्र 29 साल और चमोली जिले के बमियाला गांव के वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर अब तक घर नहीं लाया जा सका है। सेना ने बताया कि किन्हीं कारणों से इन दोनों जवानों के पार्थिव शरीर पैतृक गांव अभी तक नहीं लाए जा सके हैं। उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।